1980 के दशक की बात है। अफ्रीका में एक नौजवान नेता हुआ जो गिटार बजाते हुए क्रांति के सपने बुनता, अपने देश को सबसे बेहतरीन बनाने का ख्वाब देखता। उसने उन देशों की आंखों में आंखें डाली जो अफ्रीका को गुलामों की धरती समझते थे, जिनके लिए अफ्रीका का मतलब लूट का साधन था। उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि उसे अफ्रीका का चेगुवेरा कहा जाने लगा। हालांकि उस मुल्क में, उस परिस्थिति में उसकी खुद की पहचान नायकों वाली थी। संघर्षों और दोस्तों के बूते उसने राष्ट्रपति की कुर्सी हासिल की। उसके बाद उसका सपना और निखर कर सामने आया। जनता उसे चाहने लगी, उसके कहे पर अमल करने लगी। देश सही दिशा में बढ़ रहा था, लेकिन ये बात उसके एक दोस्त को रास नहीं आई। उसका अपना लालच दोस्ती और देश पर भारी पड़ गया। एक रोज कुछ हथियारबंद सैनिक नौजवान नेता के दफ्तर में घुसे और सरेआम गोलियां बरसा दी। नौजवान की उम्र महज 37 साल थी। हत्या के बाद उसकी लाश को टुकड़ों में काटा गया और किसी सुदूर जंगल में दफन कर दिया गया। करीबी दोस्त जिसके ऊपर साजिश रचने का इल्जाम लगा, उसने राष्ट्रपति की कुर्सी हथिया ली और अगले 27 सालों तक पूरे मुल्क को रेंगने पर मजबूर कर दिया। ये किस मुल्क की बात हो रही है? वो नौजवान नेता कौन था? किस करीबी दोस्त ने पहले उसे सत्ता के शीर्ष पर चढ़ाया और फिर रास्ते से हटा दिया? और आज हम 3 दशक पुरानी घटना की बात क्यों कर रहे हैं, सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंटरनेशनल खबरों का डेली बुलेटिन दुनियादारी। वेस्ट अफ्रीका में एक देश है, बुर्किना फासो, दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में से एक। मार्च 2019 में बीबीसी में एक रिपोर्ट छपी। इस रिपोर्ट का टाइटल था बुर्किना फासो द कंट्री वेयर इट्स टू डेंजरस टू गो टू स्कूल। बुर्किना फासो ऐसा देश जहां स्कूल जाना खतरे से खाली नहीं है। वहां हजारों की संख्या में स्कूलों पर ताला लग चुका है। किसी टीचर की हत्या हो जाए तो कोई कुछ नहीं बोलता। बच्चे विस्थापन का शिकार हैं। सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने में नाकाम साबित हुई है। इस्लामिक आतंकवाद ने बुर्किना फासो को अपने शिकंजे में कसा हुआ है। अपराधियों, तस्करों, हत्यारों का बोलबाला है। जनता शांति की तलाश में पलायन कर रही है। ऐसा लगता है मानो सारी उम्मीदें खत्म हो गई हों, लेकिन वहां हमेशा से ऐसी स्थिति नहीं थी। एक समय ऐसा भी था जब बुर्किना फासो विकसित देशों के साथ कदम ताल करने के लिए तैयार हो रहा था। वहां बच्चों को गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा था, उन्हें टीके लगाए जा रहे थे, लड़कियों के लिए स्कूल बनाए जा रहे थे, महिलाओं को सरकार में शामिल किया जा रहा था, सदियों से कायम कुप्रथाओं को बैन किया जा रहा था, रेल लाइनें बिछाई जा रही थी, नहरें खुद रही थी। बुर्किना फासो में वो हर काम हो रहा था जो किसी देश में विकास के मायने तय करता है। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इसमें विदेशी सहयोग नहीं के बराबर था। ये कब की बात है? आज से तकरीबन 37 साल पहले की। तब थॉमस संकारा बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बने। संकारा का जन्म दिसंबर 1949 में हुआ था। उस वक्त ये इलाका फ्रांस की कॉलोनी थी। उन्होंने नाम रखा अपर वोल्टा। फ्रांस यहां 1896 में आया था, उस दौर में जब यूरोप के ताकतवर देश अफ्रीका में ज्यादा से ज्यादा संसाधन लूटने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अपर वोल्टा को अगस्त 1960 में आजादी मिल गई। संकारा के पिता फ्रेंच सरकार की नौकरी में थे, इसलिए बाकियों की तुलना में उनका बचपन प्रिविलेज था। 17 की उम्र में संकारा मिलिट्री अकेडमी में शामिल हो गए। उसी साल आजाद अपर वोल्टा में पहला सैन्य विद्रोह हुआ। सत्ता एक मिलिट्री अफसर के हाथों में आ गई। इस दौरान सेना को मजबूत करने पर खूब खर्च किया गया। इसका फायदा संकारा को भी मिला। वो तेज तर्रार थे। उन्हें उन खास ऑफिसर्स की टीम में शामिल किया गया जिन्हें विदेश में ट्रेनिंग मिली, आगे पढ़ने का मौका मिला। मोरक्को में ऐसे ही एक ट्रेनिंग के दौरान उनकी मुलाकात ब्लेस कोम्पोर से हुई। कोम्पोर भी ट्रेनिंग में शामिल था। दोनों में अच्छी दोस्ती हुई। बाद के सालों में इन दोनों ने कुछ और साथियों के साथ मिलकर एक सीक्रेट टीम बनाई। इसका नाम रखा गया कम्युनिस्ट ऑफिसर्स ग्रुप। संकारा और कोम्पोर के सहयोग से अपर वोल्टा में दो तख्ता पलट हुए। जनवरी 1983 में संकारा को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। कुछ नीतियों को लेकर उनका राष्ट्रपति जीन बप्तिस्ते ओड्रोगो से झगड़ा हो गया। ओड्रोगो ने संकारा को गिरफ्तार करवा दिया। संकारा को युवा अफसर बहुत पसंद करते थे। इस गिरफ्तारी से वे नाराज थे। इस नाराजगी का फायदा उठाया कोम्पोर ने। 4 अगस्त 1983 को ओडोग्रो की कुर्सी से उतार दिया गया।
इस तख्ता पलट को बुर्किना फासो के इतिहास में अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ही थॉमस संकारा देश के राष्ट्रपति बने। उनकी विचारधारा लेफ्ट की थी, वो क्यूबा और घाना से प्रभावित थे। चेगुवेरा, जिन्हें कोल्ड वॉर के दौर में पश्चिमी देश अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, संकारा उन्हें अपना हीरो मानते थे। इसके अलावा वो विदेशी मदद के आगे हाथ फैलाने के लिए तैयार नहीं थे। कोल्ड वॉर के दौर में ये सब उन्हें वेस्ट का दुश्मन बनाने के लिए काफी था। संकारा ने राष्ट्रपति बनते ही देश का नाम बदला। उन्होंने अपर वोल्टा का नाम हटाकर नया नाम रखा बुर्किना फासो। इसका मतलब होता है ईमानदार लोगों की धरती। संकारा का विजन था, ज्यादा काम करो, खर्च कम और बेहतर जगह पर करो, देश की जरूरत के हिसाब से उत्पादन बढ़ाओ। उन्होंने यूरोप के देशों को आड़े हाथ लिया, उनसे कर्ज माफ करने की मांग की। संकारा ने टॉप अधिकारियों के ऐशो आराम पर भी पाबंदी लगा दी। भ्रष्टाचार रोकने के लिए अदालतें बनाई गईं। दोषी पाए जाने पर कठोर से कठोर सजा की तामील हुई। इससे सेना और सिविल सर्वेंट्स के ऑफिसर्स भन्ना गए। उन्हें नए सिस्टम से कुछ हासिल नहीं हो रहा था, उल्टा उन्हें अपना ऐशो आराम त्यागना पड़ रहा था। इससे कोमपोर भी नाराज था। उसने संकारा पर क्रांति में शामिल साथियों की हत्या और फ्रांस से रिश्ते खराब करने के आरोप लगाए। संकारा और कोमपोर का रिश्ता बिगड़ रहा था। फिर आई 15 अक्टूबर 1987 की तारीख। हथियारबंद सैनिकों का एक दस्ता संकारा के ऑफिस में घुसा। उन्हें वहां जो दिखा उस पर गोलियां बरसाई गईं। इस हमले में राष्ट्रपति संकारा और ऑफिस में मौजूद 12 लोगों की मौत हो गई। मरने के बाद हमलावरों ने संकारा के शरीर को कई टुकड़ों में काटा, फिर उसे किसी अनजान कब्र में दफन कर दिया गया। संकारा की फैमिली को जो डेथ सर्टिफिकेट मिला उसमें हत्या का कारण लिखा था नेचुरल डेथ। बरसों बाद उन्हें पता चला कि संकारा की नेचुरल डेथ नहीं हुई थी बल्कि उनकी हत्या की गई थी। संकारा की मौत के बाद संपत्ति के नाम पर उनके बैंक अकाउंट में बस $500 बचे थे। इसके अलावा उनके पास एक पुरानी कार थी। जिन विचारों को उन्होंने देश में लागू करना चाहा वो उसे असल जीवन में भी जी रहे थे। हत्या से हफ्ते भर पहले संकारा एक सभा में थे। चेगुवेरा की 20वीं बरसी का समारोह मनाया जा रहा था। इसमें संकारा का भी भाषण हुआ। उन्होंने कहा, विचार कभी नहीं मरते, उनकी हत्या नहीं की जा सकती। उनका कहा सच साबित हुआ। उनके जाने के बाद भी उनके विचार जिंदा रहे। आज भी अफ्रीकी महाद्वीप में युवा उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। उनका खालीपन महसूस होता है। बुर्किना फासो की सड़कों पर जस्टिस फॉर संकारा लिखी पट्टियां आज भी दिख जाती हैं। आज हम थॉमस संकारा की चर्चा क्यों कर रहे हैं ये एक सवाल है, क्योंकि बुर्किना फासो की एक मिलिट्री कोर्ट ने उस दर्द को फिर से कुरेद दिया है। अदालत ने संकारा की हत्या और उनकी लाश को गायब करने के मामले में 14 आरोपियों पर चार्जेस तय किए हैं। घटना के 34 साल बाद इसमें एक नाम संकारा के करीबी दोस्त और देश के पूर्व राष्ट्रपति ब्लेस कोमपोर का भी है। आरोप है कि इस हत्या में कोमपोर की मिलीभगत थी। संकारा की मौत के बाद कोमपोर बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बने। उन्होंने अगले 27 सालों तक देश पर राज किया। 1997 में संकारा का मामला अदालत तक पहुंचा था लेकिन बिना जांच के केस बंद कर दिया गया। ये खुला 2015 में, जब कोमपोर सरकार गिर चुकी थी और कोमपोर पूर्व राष्ट्रपति हो चुके थे। ऐसा क्यों हुआ? संवैधानिक तरीके से 2015 में ब्लेस कोमपोर का कार्यकाल खत्म हो जाता है। वो इसके बाद राष्ट्रपति की कुर्सी पर नहीं रह सकते थे। हालांकि कोमपोर का मन नहीं भरा था, उन्होंने अपना कार्यकाल बढ़ाने की प्लानिंग की। इसके लिए संविधान बदलना जरूरी था। कोमपोर कानून में बदलाव कर अपना कार्यकाल बढ़ाने के लिए राजी हो गए। बाकायदा उन्होंने प्रस्ताव भी तैयार करवा लिया लेकिन जनता इसके लिए तैयार नहीं थी। अक्टूबर 2014 में राजधानी में लोग सड़कों पर उतर आए। बर्दाश्त का घड़ा फूट चुका था। उनकी नाराजगी की कोई सीमा नहीं थी। प्रोटेस्टर्स की तख्तियों पर कोमपोर इज इक्वल टू इबोला वायरस और कोमपोर कुर्सी छोड़ो के नारे लिखे हुए थे। धीरे धीरे प्रोटेस्ट हिंसक होता चला गया। जिस सेना के दम पर कोमपोर ने 27 साल तक सत्ता चलाई वो भी उनके खिलाफ हो गई थी। 30 अक्टूबर को कोमपोर ने कहा कि वो अपना कार्यकाल नहीं बढ़ाएंगे लेकिन प्रदर्शनकारी उनके इस्तीफे से कम पर मानने को तैयार नहीं थे। ब्लेस कोमपोर असहाय हो गए थे, उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। डर था कि सेना जबरदस्ती तख्ता पलट ना कर दे। आखिरकार 31 अक्टूबर 2014 को ब्लेस कोमपोर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस ऐलान के बाद उनका कोई अता पता नहीं चला। अगले दिन खबर आई कि कोमपोर पड़ोसी देश आइवरी कोस्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने वहां शपथ ले ली। बाद में कोमपोर को वहां की नागरिकता भी
मिल गई। 2015 में बुर्किना फासो की अदालत ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। आइवरी कोस्ट और बुर्किना फासो के बीच प्रत्यर्पण संधि हो रखी है। इसके बावजूद आइवरी कोस्ट ने कोमपोर को गिरफ्तार कर वापस भेजने से मना कर दिया था। 6 बरस बाद कोमपोर वहीं है। अब जबकि मिलिट्री अदालत ने उनके ऊपर आरोप तय कर दिए हैं, क्या उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा सकेगा? जानकारों के मुताबिक अदालत के फैसले से आइवरी कोस्ट पर दबाव तो बढ़ेगा, लेकिन इसका असर होना बेहद मुश्किल लगता है। थॉमस संकारा की फैमिली और उनके चाहने वालों ने 34 बरस लंबा इंतजार किया है, उनके भीतर नई उम्मीद जगी है। हो सकता है कि दोषियों को सजा दिलाने का उनका सपना पूरा हो जाए, लेकिन बुर्किना फासो ने जो खोया उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी। थॉमस संकारा अपने मुल्क को सच्चे नागरिकों का देश बनाना चाहते थे, लेकिन सत्ता के लालच ने संकारा और उनके सपनों को कुचल कर रख दिया और बुर्किना फासो आज तक उसका दंश झेल रहा है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी इजिप्ट से है। पिछले महीने चीन से यूरोप जा रहा जहाज एवरगिवन स्वेज नहर में फंस गया था। इस वजह से नहर में लंबा जाम लग गया। ये जाम 29 मार्च को छूटा था। अब इजिप्ट की एक अदालत ने नया फैसला सुनाया है। जहाज के मालिक को लगभग 6500 करोड़ रुपए का मुआवजा अदा करने का आदेश दिया गया है। इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन, मेंटेनेंस फीस और कैनाल कंपनी को हुए नुकसान की रकम भी शामिल है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और मुआवजे का भुगतान नहीं कर दिया जाता, एवरगिवन को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। इस जहाज में भारतीय क्रू सवार हैं। खबर है कि मामला सुलझने तक उन्हें भी हाउस अरेस्ट में रखा जा सकता है। दूसरी सुर्खी अफगानिस्तान से है। अमेरिका ने अपने 2500 सैनिकों को बाहर निकालने के लिए नई डेडलाइन तय कर दी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिकी सैनिक 11 सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान छोड़ देंगे। उसी दिन अमेरिका पर हुए 9/11 हमले की 20वीं बरसी भी है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 1 मई की डेडलाइन रखी थी। तालिबान ने कहा था कि अगर अमेरिका 1 मई की डेडलाइन का पालन नहीं करता है तो वे विदेशी सैनिकों पर हमला शुरू कर देंगे। बाइडेन के ऐलान के बाद ब्रिटेन ने भी अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। फिलहाल अफगानिस्तान में ब्रिटेन के 750 सैनिक तैनात हैं। आज की तीसरी सुर्खी जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन से जुड़ी है। रेयर ब्लड क्लॉटिंग के केसेस सामने आने के बाद अमेरिका, साउथ अफ्रीका और यूरोपियन यूनियन ने इस वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अमेरिका में 6 महिलाओं में ब्लड क्लॉट की समस्या रिपोर्ट हुई थी। इसमें से एक की मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। ब्लड क्लॉट के लक्षण वैक्सीन लगाए जाने से 1-2 हफ्ते बाद देखे गए हैं। वैक्सीन पर लगी रोक अस्थायी है। अगर जांच में सब सही पाया जाता है तो इस्तेमाल फिर से शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन में भी यही समस्या देखने को मिली थी। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हंसते मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं, जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश, तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।